बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ टेक्निकल अकबर यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका टिकटॉक का अकाउंट के 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हो जाते हैं, आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास 10,000 हमारा टिकटॉक पर कम्प्लीट हो चुका है फॉलोअर। और उसके बाद आज हम टिकटॉक पर पाकिस्तान में रहते हुए ही अपनी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं और आपको मुकम्मल तरीके का सिखाएंगे। अगर आप भी यूएसए का टिकटॉक अकाउंट बनवाना चाह रहे हैं तो हमारा बहुत ही करीबी जो दोस्त है वो यूएसए में है, जिससे हमने अपना यूएसए का टिकटॉक का अकाउंट बनवाया। बिल्कुल आसान और सादा, बहुत सिंपल सा अकाउंट होता है बनाना यूएसए से। अगर आपका भी कोई दोस्त है यूएसए में, उससे आप बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रابطہ कर सकते हैं, हम आपको टिकटॉक का अकाउंट जो है वो बिल्कुल बना कर दे सकते हैं। और सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे आप बीटा प्रोग्राम में जाते हैं, जब आपके 10,000 फॉलोअर कंप्लीट हो जाते हैं, हमारे 10,000 जो फॉलोअर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, आपने क्रिएट बीटा प्रोग्राम में चले जाना है और उसके बाद आपने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आपके 10,000 फॉलोअर कंप्लीट होने के बाद, 10,000 फॉलोअर कंप्लीट होने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई पर आप क्लिक करते हैं, आपको 3 दिन वेट करना होगा, यहाँ पर रिसीव आपकी जो अप्रूव हो चुकी है। जैसे 3 दिन गुजर जाएंगे और उसके बाद दोबारा आपने क्रिएट बीटा प्रोग्राम में चले जाना है। वहां पर आपको कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी होगी, पाकिस्तान में ही रहते हुए आप करवा सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ प्लेस, आईडी इशू प्लेस, यहाँ पर आपने क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक किया, अभी हमने सर्च करना है पाकिस्तान। यहाँ पर मैं आपके सामने पाकिस्तान को सर्च करता हूँ, अभी पाकिस्तान आपके सामने नीचे शो हो जाएगा। तो अभी मैं डन पर क्लिक करता हूँ, नीचे देखें फौरी तौर पर हमें शो हो चुका है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस या पासवर्ड। हमें आइडेंटिटी यानी कि आईडी कार्ड वाला पहले वाले पर क्लिक करके गेट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो फ्रंट साइड की इमेज और बैक साइड की इमेज की जरूरत होगी। जो आपका ओरिजिनल आईडी कार्ड है वो आप किसी का, बहन भाई का जो बना हुआ है उसका आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखें गेट स्टार्ट पर हम क्लिक करेंगे। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करें। वेट करने के बाद आप किसी साफ जगह पर अपना आईडी कार्ड रखें, जो वाइट पेपर ले लें और यहाँ पर आप देखें फ्रंट साइड की इमेज पर आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। आपको थोड़ा सा अलाउ करने के बाद आपका कैमरा जो है ओपन हो जाएगा। फ्रंट साइड की जो इमेज है वो देखें, मैं अभी कैप्चर करता हूँ, कन्फर्म पर क्लिक कर दूँ, अभी ठीक नहीं आई। अभी अपने दोनों को सेंट्रलाइज फोटो होनी चाहिए, फोटो लाइन सेंट्रलाइज होगी। ओके कर दें। ओके करने के बाद आप देखें कन्फर्म पर क्लिक करें। जैसे आप कंफर्म करेंगे, अब अभी हमको बैक फोटो की जरूरत होगी। अभी हम चेक थोड़ा सा देखें, अभी क्वालिटी जो अपडेट हो रही है, अभी ये हमारी जो फोटो अगर ओके हो गई, क्वालिटी अच्छी हुई तो ओके हो जाएगी, अगर ना हुई तो अभी हमें रीट्राई करनी पड़ेगी। अभी हमारा ओके हो चुका है। अभी हमें कह रहा है कि बैक साइड की इमेज आप सेट करें। अब बैक साइड की हम इमेज जो है पहले एड्रेस लिखा हुआ है उसको बैक पर अभी सेंट्रलाइज दोनों करके ओके फोटो को लाएंगे। जैसे फोटो लाने के बाद फिर आपने कन्फर्म पर क्लिक करना है। मैं आपके सामने कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आपने जैसे ये तमाम इंफॉर्मेशन को सबमिट करते हैं, ये ऑटो ही जनरेट करके आपको खुद ब खुद आपका नेम और आपकी डेट इशू। अभी हमें हमारा जो अकाउंट है वो इन प्रोग्रेस में चले गया। अभी हमारी जो तमाम इंफॉर्मेशन ये देख सकते हैं आपने, इसने मेरा नाम खुद ब खुद पिक कर लिया, डेट ऑफ बर्थ भी खुद पिक कर ली, नेशनलिटी। अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेट करूंगा, ठीक हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं ये नेशनलिटी मैंने पाकिस्तान सेट कर दी और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो ये आपको फोटोज़ वगैरह दिखाएगा, ठीक है, ओके हैं, ठीक हो गया। मैं इसको एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद मैं इसको सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देख लें कि इन्फॉर्मेशन अंडर रिव्यू, ये हमारी जो है सारा डेटा चला गया इसके अंदर, ठीक है। अभी जो है हमें जो है अगर हमने यहाँ पे यानी कि अपना जो पेमेंट मेथड, अब आपके पास पेपाल का मसला आएगा। पेपाल आपने कहाँ से क्रिएट करवाना है, हम सब लोगों के ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो सऊदी अरेबिया में होते हैं या दुबई में होते हैं या बहरीन में, किसी भी यानी कि अरब कंट्री में दोस्त भाई कोई भी है, रिश्तेदार है आपका जाने वाला। तो जब आपका ये सारा क्राइटेरिया मुकम्मल हो जाएगा तो उससे जो है ना पहले आपने एक दिन के अंदर अंदर बन जाता है पेपाल का अकाउंट पर्सनल जो है ना।